जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के बारे में शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट जैसे कि आपको पता है कि मैं एक सर्टिफाइड साइकिक रीडर हूं और एक एंड ओरेकल कार्ड रीडर हूं तो अगर आप लाइफ के किसी भी क्षेत्र में स्ट्रक फील कर रहे हो या फिर आपको किसी भी क्षेत्र में क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हो द नेम इज क्लियर विंशी और वहाँ पे हमारी सोशल मीडिया टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी सो मूविंग ऑन टू आर टॉपिक अगेन और हाँ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी द नेम इज क्लेयर वन शिवाजी प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल सो आज का हमारा मीन्स का सवाल है डिस्टिंगाइज बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड ठीक है जी तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के बीच का अंतर क्या है सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि सैम्पलिंग मेथड की इम्पोर्टेंस क्या है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्टडी द होल पॉपुलेशन अगर हम लोग उन पॉपुलेशन में से छांट के कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या केसेस को ले ले, तो हमारा टाइम और एफर्ट दोनों ही बचता है तो इसीलिए लिए सैंपल मेथड जो है तो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू कंडक्ट एनी काइंड ऑफ रिसर्च

लगा के सिलेक्शन करे यानी कि स्मार्ट वर्क करे जैसे कि आपको बोले जाते हैं ना बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स वगैरह बोलते हैं कि ऑफ गोइंग फॉर हार्ड वर्क ट्राई स्मार्ट वर्क जैसे कि आप लोग पॉलिटी में हो गया न्यूमोनिक्स याद करते हैं ठीक उसी तरह से यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड बोले तो लंबे चीजों को न्यूमोनिक्स की तरह सैम्पल करके रखना ताकि हम लोग अपना टाइम और एफर्ट जो है दोनों बचा सके ठीक है जी तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो है डेफिनेशन का प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के डेफिनेशन वो आप लोग लिख सकते हो इन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का जो अगर हम लोग डेफिनेशन पे जाए तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो लॉटरी लॉटरी का ये सारे नंबर्स जो है आप देख रहे हो इन सारे नंबर्स उछल उछल के बोलते हैं अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा तो ये सब लोग में श्योरिटी है किसी ना किसी का तो आएगा क्योंकि सब लोगों को लगता है कि किसी ना किसी का नंबर आए क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि किसका आएगा लॉटरी अगर आप खेलती हो तो आपको पता नहीं होता है कि कौन जीतेगा किसका नंबर लगेगा है ना तो दिस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन चांस इट इज़ बेस्ड ऑन रैंडमाइजेशन जहाँ पे कुछ फिक्स्ड नहीं होता है प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकता है कटअप हो सकता है कुछ भी हो सकता है ये भी निकल सकता है ये भी निकल सकता है कुछ भी निकल सकता है तो इसीलिए सब लोग पूरे चौर में रहते हैं और बोलते हैं अपना टाइम आएगा <laughs> So, in statistics, probability sampling refers to the sampling method in which all the members of the population has a pre-specified and an equal chance to be a part of the sample. So, here, the probability sampling method is, all the samples has an equal part. Uh, all the samples has all the members as an equal part.

बेस्ड होता है ऑन रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल रैंडम मतलब क्या रैंडमली आप किसी को भी चूज़ करते हो इट इज़ नॉट कि इसी को चूज़ करना है या उसी को चूज़ करना है जैसे लॉटरी लॉटरी में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रैंडमाइजेशन यू डू नॉट नो कि कौन आएगा आउटकम क्या होगा द आउटकम इज नॉट प्री डिटरमाइंड ओके दैट इज़ बेसिकली रैंडमाइजेशन wherein the producer is so designed which guarantees that each and every individual of the population has an equal selection opportunity jaise ki maine kaha yahan pe sare members जो है उसको लगता है कि उनका time आएगा दंडियार very on full of you know chores होते हैं कि अपना time आएगा <laughs> this helps to reduce the possibility of bias यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है यहाँ पे ब्याज बहुत कम होने के चांसेस होती है अगर आप लोग लॉटरी खेलते हो लॉटरी में पता नहीं होता है कि आउटकम क्या होगा और अकॉर्डिंगली आपके हाथ में कुछ नहीं होता है तो इसीलिए पार्शियलिटी या ब्याज होने की चांसेस जो है वो बहुत कम होती है ऑन द कॉन्ट्रेरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होते हैं उसके हाथ में सब होता है अगर वो डिसाइड करेगा जिसका टाइम आएगा उसी का टाइम आएगा अगर वो डिसाइड करेगा कि इसका टाइम अभी नहीं आएगा तो वो नहीं आ सकता है तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि माई लाइफ माई रूल्स ये माई मतलब रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है उसके हाथ में होता है बेसिकली when in a sampling method all the individuals of the universe are not given an equal opportunity of becoming a part of the sample the method is said to be non-probability sampling तो यहाँ पे randomization के बेसिस पे सब कुछ नहीं होता researcher के choice के बेसिस पे सब कुछ होता है researcher अगर चाहता है कि इसके इसको हम लोग देते तो इसी को दे सकते उसको दे सकते तो इट्स नॉट कि एवरीबडी हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग सिलेक्टेड ओके इट इज नॉट बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ रैंडमाइजेशन अंडर दिस देयर इज नो प्रोबेबिलिटी अटैच टू यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन एंड द सिलेक्शन रिलाइज ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे रिसर्चर के हाथ में सब कुछ होता है रिसर्चर बोलता है माई लाइफ माई रूल्स हम कॉट हम कानून therefore the conclusion drawn by the sampler cannot be interfered from the sample to the whole population ha kyunki yahan pe ye jo non probability sampling hai it is not free from bias yahan pe जो researcher है वो अपने हिसाब से sample choose करता है तो अगर researcher ने completely ये पूरा sample है अगर researcher की मर्जी हो तो वो इस सैंपल को टच भी ना करे और ये इसी सैंपल में से पूरा लगा रहे क्योंकि उसके मामा चाया चाचा चा, चा, ताया सारे इसी सैंपल में है और इस सैंपल को टच भी ना करें तो आप कैसे बोल सकते हो कि पूरा होल सैंपल जो है वो रिप्रेजेंट होगा इन केस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड होल सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड और इट कैन नॉट बी इंटर इनफेयर कि सारा सैम्पल जो है वो रिप्रेजेंट uh, किया जाएगा बिकॉज़ जो uh, हाथ में होता है इट इज़ द कंट्रोल इज ऑन द हैंड्स ऑफ द रिसर्चर रिसर्चर जो चाहे जिसको चाहे उसी को उठा सकता है ठीक है जी अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की दूसरे डिफरेंस की टाइप ऑफ सैंपल मेथड तो इसको हम लोग एबोरेटरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हर एक टाइप के बारे में हम लोग डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ दूसरे वीडियो में कवर करेंगे ये वीडियो में तो हम लोग इतना कवर नहीं कर सकते तो दूसरा पॉइंट आप लोग देखिए कि वट आर द टाइप्स ऑफ सैंपल मेथड अगर हम प्रोबेबलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो प्रोबैबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स या टाइप्स है सिंपल रैंडम सैंपलिंग स्टाडिफाइड सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग सिस्टमेटिक सैंपलिंग इसके बारे में मैंने बहुत पहले जो वीडियो बनाया था उसने पूरी डिटेल में इसको इसको एलेबोरेटली एक्सप्लेन किया है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हो तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइम्स होते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग कोटा सैम्पलिंग जजमेंट और परपोसिव सैंपलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग इसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे इस हर एक पॉइंट का हर एक हर एक सैम्पलिंग टाइप का जो डेफिनेशन uh, है विथ एग्जाम्पल के साथ अलग वीडियो में हम लोग कवर करेंगे तो दूसरा पॉइंट हो गया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तीसरा चांस वर्सेस नॉन चांस सैंपलिंग जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें रोल होता है चांस का जैसे कि यहाँ पे आया है डांस पे चांस कर ले <laughs> तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होती है उसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है चांस यानी कि लक। द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज रैंडमाइजेशन और चांस ठीक है चांस यानी कि लक लक जैसे फीवर करता है उसी का होता है ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान ऐसा कुछ कहावत है ना Toh, so it is also known as random sampling on the contrary in non-probability sampling randomization technique is not applied for selecting a sample hence it is considered as non-random sampling the third point that probability sampling is called random sampling because it is based on chance on the contrary non-probability sampling is it is not based on chance that's why it is called as non-random sampling

तो ये चांस शिव जी बचा लेते <laughs> तो ये मैं करती हूँ आप लोग मत कीजिएगा आप लोग पढ़ के ही जाइएगा ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है वहां पे जो रिसर्चर होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होती है वो रैंडमली वो रैंडमली चूज करता है मतलब वो रैंडमली चूज इन होता है जो निकल के आता है आउटकम दैट इज चूज रैंडमली ऑन द कॉन्ट्रेरी जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वहाँ पे जो अपना रिजल्ट होता है दैट इज चूजन आर्बिट्रली आर्बिट्रली मतलब इच्छापूर्ति से मतलब हजार लोगों का सैम्पल हुआ तो रिसर्चर जो है पचास लोग जो है रिसर्चर के चाचा मामा ताया हुए तो रिसर्चर क्या करेगा कि हाँ ये मेरे चाचा का लड़का ये मेरे मामा का लड़का ये मेरी मासी का लड़का तो उन्हीं लोगों को अपनी इच्छा अनुसार चूज करेगा एंड दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगेन डिफरेंस इज एक्सप्लोरेटरी वर्सेज कंक्लूसिव एक्सप्लोरेटरी मतलब देयर इज चांस की और कुछ डिस्कवर करे और कुछ एक्सप्लोर करे और कुछ यू you नो know, ढूंढे, ख़त्म नहीं होता है उनका सर्च कभी ऑन द कॉन्ट्ररी कंक्लूसिव मतलब क्या ख़त्म बाय बाय टाटा गुड बाय और कुछ करना ही नहीं अपना बुक चैप्टर क्लोज इस तरह का सीन है एक और डिफरेंस पॉइंट

नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्च हमेशा एक्सप्लोरेटरी वेलकम कम हियर इस तरह का जो सीन है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है इट्स एक्सप्लोरेटरी इन नेचर द रिजल्ट जनरेटेड बाई प्रोबाबिलिटी सैम्पलिंग आर फ्री फ्राम ब्यास वाइल द रिजल्ट ऑफ नॉन प्रोबेबलिटी सैम्पलिंग आर मोर और लेस ब्यास्ट जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मीम लिखा हुआ है कि सब मोम आया है वन टीचर गिव्स फर्स्ट बेंचर 30 आउट ऑफ थर्टी इन प्रैक्टिकल लास्ट बेंचर इसे कहते हैं पार्शियलिटी <laughs> ये आप लोग के साथ भी होता ही होगा जो फर्स्ट बेंचर्स है उनको आए ना आए हाँ इसने लिखा है तो सही होगा भाई तो ये होता है पार्शियलिटी जो रिजल्ट जेनरेट होते हैं फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी मेथड इट इज़ फ्री फ्रॉम ब्यास क्योंकि रिसर्चर के हाथ में भी कुछ नहीं होता सब भगवान भरोसे होता है लेकिन ऑन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सब कुछ रिसर्चर के हाथ में होता है तो इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पार्शियलिटी और इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम ब्यास अगेन टेस्ट वर्सेज जेनरेट तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेस्ट हाइपोथेसिस बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जेनरेट्स इट यहाँ पे कोई भी अगर हाइपोथेसिस बनता है तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो उसको टेस्ट कर दे वैलिडेट करते कि भाई ये सही तो है ना गलत तो नहीं है ऑन द कॉन्ट्रेरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो हाइपोथेसिस को जेनरेट करता है बनाता है इन्वेंट करता है इस तरह का एक तो वैलिडेट करता है दूसरा जेनरेट करता है एक और डिफरेंस पॉइंट हमें मिल गया तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की ओर जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कंक्लूजन में नहीं पढ़ाती हूँ आप लोगों को जो समझ में आया आप कंक्लूजन अपने हिसाब से लिख सकते हो तो ये है हमारे वीडियो का एंड आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ थैंक यू